हेलो गाइस, वेलकम। आई एम पुष्पेंद्र दागर एंड वेलकम टू फ्लाई अकेडमी। आप जो देख रहे होंगे ये जो गेट, ये मेरे घर का गेट है। और ऊपर भाई लोग देख रहे होंगे, मेरे भाई लोग हैं, तभी पेंट कर रहे हैं। दीपावली पे जब भी हम लोग गांव आते हैं तो हमें यही चीज़ रहती है कि भाई आप आए हो तो आपको पेंट करना है, सफाई करनी है और ये करना वो करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते, इसी तरह से ब्लॉग में आपको मजा आने वाला है। ये जो देख रहा है ना, ये जो ये अच्छा ये इसका नाम हिंदी में, इसको गांव की भाषा में क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पट्टी। बेसिकली ये जो होता है ना, गाय या भैंस या जो बछड़े होते हैं उनके गले में बांधा जाता है ये स्पेस, और ये सिर पे बांधा जाता है। इसको बोलते हैं वैसे क्या बोले बेसिकली, फूंदरे। चलो इसको बेसिकली फूंदरा बोलते हैं। फूंदरा ये जो हेड पे लगता है, गाय के पे लगा सकते हैं, बैल के, जनरली तो बैल के या गाय के पे लगाते हैं, यही है। और बाकी अलग अलग तरह के डेकोरेशन है, देख सकते हैं आजू बाजू में लोग भी देख सकते हैं। देख गए, ठीक है। ये हमारे सेव के समृद्ध शॉपकीपर सालिफ खान, इनकी शॉप पे आपको हर चीज़ मिलेगी। पहले ये इनके पिताजी शॉप चलाते थे, तो अब ये चला रहे हैं, और ये हमारे क्लासमेट भी हैं साथ। आदमी है, हम थोड़े नॉर्मल आदमी है तीनों। और अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारे पास वाले गांव में एक फेमस स्क्वायर है, वहाँ पर समोसे बढ़िया मस्त मिलते हैं ऐसा लगता है हम लोगों को। हालांकि ऐसा है भी नहीं, लेकिन अब फील होता है, बढ़िया फील मिलता है वहाँ सारा। गाँव में भी है समोसे की शॉप, लेकिन इनको पेट्रोल बर्बाद जनता ही नहीं है, तो ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो चलते हैं लगता था कि गड्ढों में गाड़ी चला जाए, तुम्हें क्या पता सड़क पर गाड़ी चला, फिर से देख सकते हो अगेन गड्ढा, और फिर से जो बहुत बड्डो गड्ढा।
लास्ट में यहाँ के बहुत फेमस समोसे मिलते हैं यहाँ पे, आप अभी देखेंगे खाएंगे टेस्ट करेंगे तो आपको बता ही देंगे। चलिए बनते, अभी बन रहे हैं, अभी गरम गरम बन रहे हैं, गरम गरम। साथ आ गए अपने कौन, शुभम भाई हमारे, मतलब हमारी अब लंगोटी दोस्त, लंगोटी यारों वाली मंडली जो है वो तैयार हो गई है। और अब हम लोग जैसे देख रहे होंगे आप लोग, ये दोनों एक जैसे पहने, हम दोनों का मैचिंग मैचिंग है। हम चप्पल पहने हैं मम्मी की, पर ये मम्मी की चप्पल गौर से देखिए इस व्यक्ति को, आप देख पा रहे होंगे कि ये मम्मी की चप्पल पहन क्या है, गौर से देखिए इस आदमी को जो कि अपनी मम्मी की चप्पल पहन के घूम रहा है, ये खाए भी है हमने। अच्छा हम लोग ऐसे ही जब स्कूल टाइम में हम लोग ऐसे ही घूमने फिरने जाते थे साथ में, तो वो ये गलियां हैं, हमने सोचा कि पैदल ही चलते हैं कम से कम सबको एक्सप्लोर कर पाएंगे इधर उधर। कोताही का माहौल है अभी हाल फिलहाल में दीपावली की वजह से। ये जो एक्चुअली ये गोबर है ये जो पेंट नहीं है, पेंट का कोई कलर नहीं है, गोबर है। इससे क्या होता है, और ये इस पे चूना 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 पोतते हैं गांव में, इसलिए इसका रीज़न ये है कि क्योंकि चूने से जितने भी जर्म्स होते हैं एक्चुअली वो मर जाते हैं। तो ये यहाँ पर गांव की पुरानी परंपरा है, इसको फॉलो करते हैं सब लोग, इट्स क्वाइट गुड फॉर अस। गांव की गली है आप देख सकते हैं, वकार इतनी गंदी है, गांव पे विकास के नाम पर बस यही है, ये लीकेज आप देख सकते हैं बकायदा, बहुत बढ़िया। यस ये गांव में हंट टाइप की होती है झोपड़ी, यहाँ पे ज़्यादातर जानवरों को रखा जाता है, आप देख सकते हैं ये आराम कर रहे हैं। कहाँ तुम भक्का आ रहे हैं, और ये हमारे सपूत सोयाबीन में खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये सोयाबीन है, सोयाबीन इस बार बहुत खराब हुआ है, तो सरकार प्लीज ध्यान दे इस बात पे। ये हमारे गांव का छोटा सा झोरा, इसको झोरा बोलते हैं। बेसिकली जैसे क्या होता है कि जैसे नहर का जो पानी होता है जिसके लिए नाला टाइप, ऐसे नाला बोलेंगे लेकिन इसको गांव की भाषा में आपको एक न्यू वर्ड सिखाने वाला हूँ मैं, इसको बोलते हैं झोरा। इट्स क्वाइट गुड वाटर, इसको आप पी भी सकते हैं वैसे, ये ख़राब नहीं है, पीने लायक ही है। और इस हमारे गांव से बहुत दूर, मतलब गांव के जस्ट बाहर शिव जी का मंदिर है, बहुत फेमस है, हमारे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये बहुत मतलब प्राचीन है, बहुत पुराना है, हमें नहीं पता ये कब का है, बड़ी मंदिर है, बहुत पुराना। बड़ा सा एक तालाब आपको मिलेगा इधर साइड में ही है, बट अब हो सकता है कि तालाब में ज़्यादा ग्रीनरी की वजह से आपको तालाब नज़र नहीं आए, लेकिन देख सकते हैं ये तालाब में देख सकते हैं कि तालाब ही नहीं है, बस ये हमारे गांव के बाहर है। ये इस एरिया को वैसे पांतबा कहते हैं, पांतबा, यहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलते थे।
कैमरामैन संतोष के साथ। ये हमारे भाई साहब बड़े फेमस है सेव में, मतलब बहुत बढ़िया आदमी है ये। तो आप लोग दीपावली मनाएं लेकिन प्लीज एक गैम्बलिंग ना खेलें क्योंकि गैम्बलिंग है। और जैसे और क्या चीजें होती है? हाँ, और दारू वगैरह पीना भी, वाइन भी कंजप्शन रहता है, तो प्लीज वो भी ना करें क्योंकि दोनों चीजें हमारी दीपावली को खराब ही करेंगी कहीं ना कहीं। पटाखे चला नहीं दे रहे नहीं पटाखे चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं, पटाखे तो चला सकते हैं, पटाखे भी पैसों का चलती है, अपन जीत कर लो। तो देखिए आप कितना भी किसी को समझा दे, इसको नहीं समझना वो तो नहीं समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दीपावली पे, खासकर गैम्बलिंग और वाइन कंजप्शन ना हो तो अच्छा है। तो और आगे बढ़ते हैं, हमारे ये इनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं हमारे हैं, आप ही कर दो। मैं शैलेंद्र रघुवंशी ग्राम से हूँ। और आगे भी क्या, तहसील नटरंज जिला विदिशा। बहुत बड़े दिन से मिल के आपको शायद खुशी मिल गई होगी, मुझे भी वक्त मिल ली है। दीपावली पर रंगोलियाँ बनाती हैं हमारी सिस्टर्स, ये सिस्टर नहीं है हालांकि। चलो हट जाओ वहाँ से, हट जाओ। ये भाग रही हैं जैसे मान लो कि पता नहीं क्या हो गया इन्हें। ये रो मटी है, ये रंगोली बहुत शानदार लगी हमें, ये बहुत बढ़िया है ये बना रही हैं रंगोली अलग से। एक ये क्या बना क्या रही है, कौन सी रंगोली बताएंगी आप? फूल और मोर। फूल और मोर, ये टाइम पास करती हुई और दांत निकालती हुई। बढ़िया है। बंद ना कर दे कहीं, चलो जाओ, बहुत बढ़िया, निकल लो। चले आ, चले आ। तो मैं आ गया हूँ फाइनली हमारे खेतों में। जी हाँ, ये धान जिसे चावल बनते हैं, ये है धान। तो ये हमारे ज़्यादातर अभी धान का यूज़ करते हैं, धान बोते हैं हमारे ज़्यादातर। तो ये धान के खेत आप देख सकते हैं, ये होती हैं उनकी, इसमें होता है आपका चावल। तो गाइस, जो लोग चावल लेते हैं शादियों में, जनरली देखा है कि चावल की सबसे ज़्यादा बर्बादी होती है। अगर आपको पता हो कि धान में कितनी मेहनत लगती है, तो आप हमेशा भूल, कभी भी आप भूल कर भी कभी चीज़ की बर्बादी नहीं करेंगे। तो देखिएगा,
हमारे ट्रैक्टर धुल रहे हैं, तो अभी एक्चुअली क्या है गांव में लाइट नहीं है, तो गांव के बाहर अपने खेत पे आए, यहाँ पे ट्रैक्टर के थ्रू मोटर चालू करें, ट्रैक्टर चल रहा है इसके थ्रू पानी ला रहे हैं, तो अभी क्लीन तनिश क्या धुल रहे हो? ट्रैक्टर धुल रहे हो? ट्रैक्टर धुल रहे हो? सही बताओ। चलो चलो निकल। क्या हुआ तनिश? हैं? रूट गए तनिश भाई। इधर देखो, इधर देखो, ये वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग जा रहे हैं अब हमारे गांव के बाजू में एक बूदे का पार्क, बहुत फेमस जगह है, जैसे भोपाल में मनुभवन टेकरी है वैसे ही है, यहाँ पे उसको अच्छा मानते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं सभी लोग साथ में, ये हमारे भाई साहब, फ्रेंड लोग सभी, और बाकी हमारे फैमिली मेम्बर पहले ही पहुँच गए हमसे, तो चलिए पहुँचते हैं, फिर अपन चलते हैं। एक रात सुनसान राह में निकलता है, उसे क्या कहते हैं, चचोरा। सुनसान राह में चचोरा ही निकलते बाहर नहीं तो हम लोग फाइनली आ गए हैं अपने बूदे के पहाड़ पे, देखिएगा आगे चलते हैं, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, ज्यादा नहीं है, फिर इसके बाद फिर ऊपर पहाड़ चढ़ते हैं। हमने तो देखे ही नहीं है ऐसे। क्या नहीं देखे? एक बढ़िया स्पॉट है घूमने के लिए, फैमिली वेकेशन के हिसाब से एक दिन बढ़िया मस्त आए यहाँ पे।
आके बढ़िया मस्त घूमे फिरे, खाना वाना बना जा सकते हैं, यहाँ पे खा भी सकते हैं। ये मंदिर है यहाँ पे, क्योंकि हम मंदिर के अंदर अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी बंद है, तो हम यहीं से कर लेंगे प्रणाम। और बाकी आजू बाजू में यहाँ पे हैं, यहाँ पे लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, जैसे कि लोग यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर एक पंडित जी रहते ही हैं पहाड़ पे, गांव से थोड़ा दूर है, मतलब सुनसान एरिया में ही है, बट बहुत बढ़िया है। जैसे कि फोटो शूट चल रहा है वैसे देखने ना, ये लोग आते हैं लोग यहाँ पर घूमने फिरने के हिसाब से आते हैं। यहाँ पे संभल के चलना पड़ता है क्योंकि पत्थर ही पत्थर है, और अगर आपसे थोड़ा यहाँ पे अभी बाउंड्री कर दी गई है, ये पहले यहाँ पे बाउंड्री नहीं थी ऐसा, जब हम छोटे छोटे थे हम स्कूल से घूमने आते थे तब बाउंड्री नहीं थी, हम लोग जब पैदल घूमने आते थे गांव से, यहाँ पे तभी बाउंड्री कर दी। हालांकि पत्थर बहुत सारे गायब हो चुके हैं यहाँ से इस पहाड़ से, और बट ठीक ही है, यहाँ से ऑसम व्यू लगता है, पीछे खेत ऐसे लगते जैसे कि मैदान टाइप हो। यहाँ से दिखने वाले हैं वो फोटो, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ऐसा लगता है जैसे कि ये मैदान है, पीछे बहुत बड़े बड़े खेत हैं। ये कार ऐसी लग रही है जैसे टॉय कार हो, आप कार देख सकते हैं सीधा टॉय कार हो। हम बिल्कुल एंड पे खड़े हैं, एक अगर मान लो पैर फिसला और निकले, बिल्कुल एंड पे हम दोनों खड़े हैं। बस ये हरकत है, कल लो कैमरा है, ये क्या होता, कौन सा पोज था भाई? भाई जी अपना घरेलू पोज था, घर का बनाया हुआ। बेटा अभी लड़के कहाँ आ रही? अरे इधर नहीं आना, तो मैं इधर इधर डेंजर जोन है बेटा, डेंजर जोन। हमारे शुभम भाई पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, लोग चल रहे हैं। अमित के साथ बैठ गया, देख देख गरीब हूँ भाई, भाई गरीब ही होंगे यार, बुजुर्ग। सही है सही है, सही सही कहा जा रहा है। अच्छा सभी के वाइट बाल आ गए, से भाई को छोड़ के, अभी भाई को तो ब्लैक। हाँ भाई सबके आ गए हैं, शुभम ये खुद कह रहा है ये बंदा, इसको आ गए, और इन दोनों और इन दोनों को भी आ गए, बस ये दोनों मानने को रेडी नहीं है वैसे। ये निशा मेहंदी का कमाल है बेटा, ये निशा मेहंदी लगा लगा के आए तो बोल इनकी मेहंदी लगाई होगा पर तो जाके नहीं मेरे तो जाके कह रहा हूँ भैया, ये निशा मेहंदी का कमाल है, हमसे ना कहो क्या पता दो मेहंदी लगा के घूम रहे हूँ। अपन एक मानेंगे कोई पत्थर बेटा, ये पवित्र स्थान है, यहाँ पर सैंडल पहनना मना है। अरे कच्ची मना नहीं है, वो तो अपन कोई दिक्कत नहीं, बस ये थोड़े पत्थर चुभ रहे हैं और कुछ नहीं है, पत्थर चुभ रहे हैं और कुछ नहीं है। वो अपन चढ़ रहे हैं ना वहाँ पे, वो ये जो पहाड़ है इसको खोद दिया गया है, क्या करा है इन्होंने खुद को समझ में नहीं आया, लेकिन पूरे पहाड़ को मैदान जैसा बना दिया। ये हमारे अमित भाई एक कुछ अलग ही फोटोग्राफी टिप्स अपना रहे हैं, पता नहीं कौन से भाई फोटोग्राफर बनना चाह रहे हैं जी, सिग्नेचर को टच। अरे एब यूज लैंग्वेज का यूज ना करें, हाँ करो ना, कौन सा फोटो खींच रहे किस तरीके से ये फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये कौन सी जे तगड़ वाला पोज, ये देखिए अलग अलग तरह का पोज दे रहे हैं, मतलब अलग ही लेवल है, लो सब लोग अलग ही लेवल से चल रहे हैं, सब अलग ही लेवल है भैया। वाह ये कौन सा पोज होता है बताओगे एक बारी सर? ये है आराम पना पोज, आराम पना पोज। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हमारे भाई साहब फोटो क्लिकिंग की बोला
फोटोग्राफी की वो एक क्लास चला रहा है। अब वो फोटोग्राफर से पूछ रहे हैं कि हमें पोज बता दो, कौन सा पोज देना है। और देखो वो भाई साहब बता भी रहे हैं। ये आउटसाइड में मतलब बहुत बड़ा पहाड़ था, मतलब है अभी भी है, पहाड़ तो बड़ा ही है, बट एक्चुअल में क्या है कि ये थोड़ा प्लेन टाइप हो गया। यहाँ से कुछ खुदाई वगैरह हो गई है, इलीगल हुई है, लीगल हुई मुझे नहीं पता है, बट हो गई है, तो इसकी वजह से ये पहाड़ थोड़ा कम है। बट ये पहाड़ का बहुत हिस्टोरिकल मतलब बात है, इसके नीचे की इसमें गुफा है। वहाँ पे ऐसा है कि वो एक गुफा ऐसी है कि वो अंडरग्राउंड ऐसी गई है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं हुई। आगे है वो मैं दिखाऊंगा आगे वीडियो में। तो ये बहुत बड़ा पहाड़, यहाँ से मतलब खेत जो है, बड़े बड़े खेत हैं, गाँव हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो ऐसी लगती जैसे कि एक छोटा सा घर। अच्छा बढ़िया है, यहाँ पे फैमिली के साथ आते हैं तो बढ़िया लगता है। ढेर सारे कस्टर्ड एप्पल।